खेल। नायब सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। 22 साल देश की सेवा की, 5 राजरेप से हूँ, 3 युद्ध लड़े, 45 साल हो गया व्हीलचेयर पर बैठे, गर्दन से नीचे पूरा डेड है लेकिन कलेजा 2.5 किलो का है। इंडियन आर्मी का जवान और राजस्थानी ऊंट कभी बूढ़ा नहीं होता। हम कल भी बूढ़े नहीं थे, आज भी नहीं, जवान आए और जवान ही जाएंगे। लड़ेंगे आज़ादी वतन के लिए जब तक जान तन में है। अरे जीएंगे तो यारो आज़ाद होकर, वरना गुलाम जीकर भी क्या करेंगे। ये जितने भी हमारे बहादुर जवान हैं जो कि फ़ौज से अपने लड़ाई के दौरान या किसी भी कारणवश जो फ़ौज में नौकरी कर सकते ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जिनको ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होता है और सारी ज़िंदगी वो व्हीलचेयर में रहने के लिए बाध्य करती है, ये इतनी सरल नहीं है कि सारी ज़िंदगी व्हीलचेयर में व्यतीत करना इतना ईजी नहीं होता है। तो इनको ये सेंटर जो है ये बेसिकली इनको एक नया ज़िंदगी देने की कोशिश करता है, या इनफैक्ट दे रहा है मैं कहूँगा। इनके मन में एक सकारात्मक विचार का पैदा करना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है, तो वो हम इनके मन में पैदा करते हैं। और उन्हें ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट द डिसेबिलिटी बट द एबिलिटी दैट काउंट्स। मेरा नाम नीर बहादुर गुरुंग है। नमस्ते, मैं प्रेम कुमार आले। मैं 1978 में इंडिया आर्मी में मैंने ज्वाइन किया। मैं 2012 से मैं पीआरसी में हूँ। 83 में मैं जब ट्रेनिंग में जा रहा था, फील्ड फायरिंग में जा रहा था, मेरा गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद नाते मैं ऐसा पैरालाइज हो गया। मेरा 2009 में एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले आर्मी में था मैं। 2 साल तक मैं कुछ नहीं कर सका। 4-5 साल तक मैंने 83 से 87 तक मैंने कुछ नहीं कर पाया। 87 से मैंने स्पोर्ट्स में खेलना शुरू हो गया, पुराने लोगों को देखकर, उन लोगों से सीखकर। यहाँ पे जब आया, एंट्री हुआ, तब कई प्लेयर लोग ऐसे थे जो इंडियन कलर के टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, तो मैं चकित हुआ और मुझे उनसे बड़ा है। मुझे मोटिवेशन मिली, मोटिवेशन सब बहुत कुछ सीखने को मिला और उनसे सीख सीख के मैं आगे, फिर मैं भी 2014 में बैडमिंटन ज्वाइन किया मैंने। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, शांत बैठने से खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, और ऐसा खाली ना रहें, कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, निराश ना होए, मेरे यही संदेश है। जय हिंद, जय भारत। पीआरसी के बदौलत मैं यहाँ पे हूँ और मेरे आगे का टारगेट 2023 में एशियन गेम एंड 24 में पैरालंपिक, उसका तैयारी कर रहा हूँ मैं। जीतते वही हैं जिनमें जान होती है। अरे जीतते वही हैं जिनमें जान होती है, पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। खून जमाती ठंड में भी हम सीना तान के खड़े हुए, बदन चलाती गर्मी में भी सीमाओं पर अड़े हुए। अरे बान शहादत का सेहरा मर्तू से ब्याह रचाते हैं, देश के वीर सिपाही ही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं, माँ का कर्ज चुकाते हैं। चलो आज फिर वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो जवाला याद कर ले, जिसमें बहकर जवान पहुंचे थे बॉर्डर पर, अरे देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर ले। चलो आज फिर वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले,
जिसमें बहकर जवान पहुंचे थे बॉर्डर पर, देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर, देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर। जाते हैं।